जय हिंद गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इसके अंदर आप अपनी स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड है। इसके अंदर टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ के साथ इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो वो है दक्षिणी अंडमान पर। जो दक्षिण अंडमान है उसके ऊपर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए मुझे कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली जो जल संधि है वो उसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सात बहनों का भाग नहीं है? जो कौन से राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य की सात बहनों का भाग नहीं है? तो एक तो सिक्किम नहीं है और एक पश्चिम बंगाल नहीं है, इन दोनों के अलावा बाकी सभी है। ठीक है, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कौन सा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो उनको भावर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो वो है कच्छ के रण में स्थित है, जो कि गुजरात के अंदर है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा से आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, तो त्रि से तीनों ओर। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को, जो राजस्थान के अंदर है एक जिला, उसको मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता यह है कि सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल से आप सभी जानते होंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और समुद्र के किनारे पे या समुद्र से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, जिनके ऊपर जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो लगभग 70-80% निर्भरता करते हैं, वहीं से उनको खाना प्राप्त होता है। मेकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मेकान का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार का नाम ही छोटा नागपुर पठार है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अंदर, झारखंड के अंदर भी आता है ये। ठीक है, रांची झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड, ओडिशा और ये छत्तीसगढ़ के आसपास है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये निकोबार के यहाँ पर कोने पर है, और ये भारत के भौगोलिक भाग का दक्षिणतम बिंदु भी है, भारत की सीमा का। ठीक है, और भारत की मुख्य सीमा का जो दक्षिणतम भाग है वो कन्याकुमारी है, और भारत की सीमा का जो दक्षिणतम भाग है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। निकोबार के इधर भी मैंने बता दिया आपको। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा के अंदर किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। कौन से द्वीप का? जम्बू द्वीप का।
भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री और 36 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। ये जो रेखा है, मानक समय रेखा भारतीय, जो 82 डिग्री से होकर गुजरती है, वो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ऊपर से नीचे जाओ तो यूपी आ गया, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया और तमिलनाडु आ गया, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आदम या एडम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो बेरन और नारकोंडम के मध्य स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। नेक्स्ट, थार भूमि कहाँ स्थित है? जो थार भूमि है, जो थार का मरुस्थल है, तो वो राजस्थान के अंदर ही स्थित है। थार से संबंधित सारे क्वेश्चनों का आंसर राजस्थान होगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करता है? तो इसका तो आंख बंद कर उत्तर प्रदेश लगा देना आप, ठीक है। आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको सबको पता होगा कि राजस्थान है, लेकिन राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता है। जो भी भारतीय अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जाते थे, उनको काला पानी की सजा दी जाती थी और उनको अंडमान निकोबार द्वीप पर भेज दिया जाता था। नेक्स्ट, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, और आप मुझे यह इसका आंसर दोगे कि लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो यह तो सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो लद्दाख को लेह से जोड़ती है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था, और इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।